Hello students, welcome back. Control circuit for armature acceleration. आज हम ये topic पढ़ेंगे. तो अब यहाँ पर हमने देखा है already कि DC motor को control करने के लिए दो circuits हमने already देख चुके हैं. क्या थी? एक तो starting circuit थी, एक reversing circuit थी. अब यहाँ पर acceleration को हम कैसे control करें, यानी motor की speed को हम कैसे control करें? तो बहुत ही easy तरीका ये है कि हम current को control कर सके. current को अगर हम control करना चाहते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि resistances हम introduce कर दें armature के circuit में series में, तो उससे क्या हो जाएगा, करंट जो है वो लिमिट हो जाएगा. अब यहाँ पर आप देख सकते हो R1, R2, R3 तीन resistances दिए हुए हैं. इनिशियली हम करंट को एकदम कम रखना चाहते हैं, लिमिट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे ये सारे रेजिस्टेंसेस सर्किट में आ जाएंगे. अगर ये सारे रेजिस्टेंसेस सर्किट में आए तो इनिशियली करंट बहुत लो रहेगा, यानी स्पीड उसकी नहीं बढ़ेगी. सो लेट अस डू वन थिंग, पहले सारे रेजिस्टेंस को रख लो, फिर धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस को ब्रिज आउट करना शुरू करो. इसीलिए हमने यहाँ से एक पाथ प्रोवाइड करना शुरू किया कॉन्टैक्टर्स में, ठीक है. अगर ये कॉन्टैक्टर्स क्लोज हो जाते हैं तो करंट ने लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करेगा, तो वो यहाँ से फ्लो करेगा. तो इससे क्या होगा, R1 को हमने एलिमिनेट कर दिया. सेकेंड टाइम R2 को भी एलिमिनेट कर दो, R1 R2 दोनों एलिमिनेट हो जाएगा. थर्ड टाइम R1 R2 R3 तीनों एलिमिनेट हो जाएगा, तो क्या होगा, करंट की डायरेक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगी. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू, यू हैव टू कंट्रोल द एक्सीलरेशन. अब मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि ये जो कॉन्टैक्ट्स है, जो हमें 1A नॉर्मली ओपन, 2A नॉर्मली ओपन, 3A नॉर्मली ओपन, A डजंट स्टैंड फॉर एम्पियर्स, आ इट इज़ फॉर एक्सेलरेशन, वी आर यूजिंग दिस इंडिकेशन. ओके, नाउ ये सारे नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स है. अब इसको क्लोज करने का जिम्मा किसने उठाना है, तो इसको क्लोज करेगा ये ऑपरेटिंग कॉइल. तो M आपका मेन ऑपरेटिंग कॉइल है. फिर आपने एक यहाँ पे आप देख सकते हो TR, ओके, सो आप देख सकते हो TR. सो ये TR जो है ये टाइमिंग रिले सर्किट है. टाइमिंग रिले यानी आप एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम फिक्स कर दो. सो ये TR क्या करेगा, ये TR, दिस TR विल सेट अ टाइम. सो आफ्टर एन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम व्हाट विल हैपन, ये सेट हो जाएगी. ओके, व्हाट विल सेट, ये सेट हो जाएगा. सो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज होगा. ये ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज होने की वजह से इसका कॉन्टैक्ट जो है वो क्लोज होगा. 1A ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज होंगी, उसका कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, तो यहाँ का भी कॉन्टैक्ट क्लोज होगा. फिर वैसे ही 2A ऑपरेटिंग कॉइल अगर आपकी एनर्जाइज होंगी तो TR2 कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, उससे 2A नॉर्मली ओपन जो ऊपर है वो क्लोज हो जाएगा. सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स. ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट पुश बटन को हमें प्रेस करना है. चलो करें, ये हो गया स्टार्ट पुश बटन प्रेस. इसके कारण ऑपरेटिंग कॉइल M जो है वो एनर्जाइज हो जाएंगी, ये हो गई एनर्जाइज. इसके कारण ये जो आपकी ऑक्सिलरी रिले कॉइल है ये भी एनर्जाइज होंगी TR. तो ये अब M जो है, M ऑपरेटिंग कॉइल है तो वो M का कॉन्टैक्ट क्लोज करेगा, तो M नॉर्मली ओपन जो है क्लोज हो जाएगा. तो इनिशियली आपका M नॉर्मली ओपन क्लोज है, तो यहाँ पे भी M नॉर्मली ओपन जो है वो क्लोज हो जाएगा. अब रेजिस्टेंस सारे सर्किट में रहेंगे जैसे हमने डिस्कस किया था, ठीक है. तो रेजिस्टेंस के साथ साथ ही ये मोटर रोटेट होना शुरू हो जाएगी. अब रेजिस्टेंस के इंट्रोडक्शन के कारण करंट बहुत कम रहेगा, उसके कारण स्पीड भी बहुत कम रहेंगे. हमको एक्सेलरेट करना है तो हमें धीरे धीरे रेजिस्टेंस को हटाना पड़ेगा. सो हमने क्या किया, ये TR एनर्जाइज की. TR एनर्जाइज हो गया तो TR1 कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, उसके वजह से ये जो 1A ऑपरेटिंग कॉइल है ये एनर्जाइज होगी. ये एनर्जाइज होती है तो 1A नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, उसके कारण करंट की डायरेक्शन ऐसी हो जाएंगी. तो हम देख सकते हैं अब सर्किट में R1 को हमने एलिमिनेट कर दिया तो करंट थोड़ा सा बढ़ गया, यानी स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ गई. नेक्स्ट क्या होगा, आपने TR2 को क्लोज कर दिया, टाइमिंग रिले है, 1 सेकेंड या बोल लो जो भी टाइम लिमिट आपने सेट की है, उसके कारण 2A ऑपरेटिंग कॉइल जो है आपका एनर्जाइज हो जाएगा. 2A ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज हो गया तो उसके कारण 2A नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट अभी नॉर्मली क्लोज हो गया. अब डायरेक्शन क्या चेंज हो जाएंगी, ये हो गई डायरेक्शन. क्या हो गया, अभी यहाँ पे R1 और R2 दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया. अब सर्किट में क्या है, सिर्फ R3 है.
R3 के कारण करंट और थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, लेकिन पूरा मैक्सिमम स्पीड अभी भी नहीं ले पाया। अब TR3 को क्लोज़ कर दिया, TR3 क्लोज़ हुआ तो ऑब्वियसली डायरेक्शन बदल जाएंगी। अब 3A ऑपरेटिंग कॉइल है, ये एनर्जाइज हो गया, 3A ऑपरेटिंग कॉइल एनर्जाइज हुआ तो 3A नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो था अब वो क्लोज हो गया, तो अब डायरेक्शन कैसी बनी? ऐसे। यानी फाइनली आपने क्या किया है, R1, R2, R3 तीनों को रिमूव कर दिया है सर्किट से। ऐसे करके आपने एक फुल स्पीड अचीव कर ली और आपका मोटर अच्छे से फुल स्पीड से